नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होगी मुगल किंग जहांगीर के सिक्कों के बारे में। मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जो मुगल सिक्कों की वीडियोस पसंद करते हैं, मुगल सिक्कों की जानकारी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए वीडियोज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने मुगल सिक्कों पर वीडियो बनाई है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखेंगे तो कम से कम मैं 20 से 30 वीडियो मुगल सिक्कों पर बना चुका हूँ। और एक वीडियो मैंने बनाई थी 12 डिफरेंट मुगल किंग्स जो थे उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसमें मेरे जो पर्सनल कलेक्शन के जो सिक्के थे, 12 डिफरेंट मुगल किंग्स के जो सिक्के थे वो मैंने दिखाए थे, जिसमें जहांगीर के सिक्के थे, अकबर के थे, औरंगजेब के थे, शाहआलम के थे, बाकी सभी जितने भी मुगल किंग थे, लगभग 12 किंग जो थे मुगल के, उनके सिक्के मैंने आपको उस वीडियो में दिखाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में लेकिन बात होगी जहांगीर के जो राशि चक्र पर आधारित जो सिक्के थे, जो कि जहांगीर के शासनकाल में जारी हुए थे, जो कि 12 अलग अलग जो राशि होती है, वृषभ, कन्या, कर्क, मकर, ये जो राशि होती है, इन पे आधारित जहांगीर के शासनकाल में कुछ सिक्के चलाए गए थे, जिनमें गोल्ड कॉइन भी थे और सिल्वर कॉइन भी थे, जिनका वजन 11 से 12 ग्राम के बीच में था। अब ये सिक्के मैंने आपको पहले ही बताया था, सिक्के काफ़ी ज़्यादा रेयर और काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसे सिक्कों का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे सिक्के मोस्टली ऑक्शन में ही देखने को मिलते हैं और ऑक्शन में आप ही लोगों के पास से जाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई सिक्का मिला या आपको कोई सिक्का मिला, अब आपको उसको बेचना है तो आप किसी रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस के माध्यम से बेच सकते हैं। ऑक्शन हाउस वाले की कुछ कमीशन होती है, क्योंकि वो आपका सिक्का बिकवाने में मदद करेंगे। उस सिक्के की बाकायदा बोली लगाई जाएगी, बिड लगाई जाएगी, नीलामी में वो सिक्का रखा जाएगा अगर रेयर सिक्का है तो। फिर कुछ टैक्स होता है, जीएसटी होती है, ये सारी चीज़ें कट होकर बाकी की जो पेमेंट होती है वो आपको मिलती है। तो ऑक्शन हाउस में जो सिक्के जाते हैं ये आप ही लोगों को होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रेयर और महंगे सिक्के लगाए जाते हैं ऑक्शन में, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिससे ऑक्शन हाउस वालों को भी फायदा हो, आपको भी हो। बाकी जो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जाता है वो तो उसमें जो डिडक्ट होता ही है अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से। आज ये जो जहांगीर के शासनकाल के जो सिक्के थे इसको थोड़ा सा डीप समझते हैं, तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखना और हो सके तो वीडियो को शेयर आप इसको जरूर करें, क्योंकि तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का टॉपिक है जो कि आपको जानना जरूरी है। जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है 1605 से, और करीब करीब जो शासनकाल चला था वो चला था 1627 के आसपास तक, यानी कि करीब करीब अगर देखा जाए तो 20 से 25 साल जहांगीर का शासन रहा। सबसे ज़्यादा अगर मुगल किसी राजा का शासन रहा था, अकबर और औरंगजेब का रहा था। जहांगीर का इतना लंबा शासनकाल नहीं रहा था। अब जो मेन टॉपिक है वो है राशि चक्र पर आधारित सिक्के। मुंबई के टोडीवाला ऑक्शन में कुछ सिक्के राशि चक्र पर आधारित देखने को मिले थे। ये सिक्का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ टाइम पहले मुंबई के टोडीवाला ऑक्शन में 1,55,00,000 में नीलाम हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक राशि चक्र पर आधारित सिक्का है। अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, रेयरेस्ट कॉइन है। ऐसे सिक्कों का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब जहांगीर के शासनकाल में सिक्के बनाए गए थे तो उस समय इन सिक्कों पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, तो इन सिक्कों को गला दिया गया था। तो कुछ सिक्के लोगों के पास बच गए थे जो आज प्रकाश में आते हैं और ऑक्शन हाउस में देखने को मिलते हैं। सभी सिक्के तो नहीं गले थे, जो लोगों के पास रह गए थे वो उन्होंने अपने पास रख लिए थे, तो आज की डेट में रेयर हो चुके हैं। तो जो सिक्के कम है वो रेयर है, ये समझने वाली चीज है। तो जहांगीर के शासनकाल के सिक्के थे जो कि उस समय सर्कुलेशन में आए होंगे, लेकिन वो चलन से बाहर हो गए क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, उन सिक्कों को गला दिया गया। तो अब ये जो कुछ सिक्के निकल कर आए हैं राशि चक्र पर आधारित, ये ऑक्शन में जो देखने को मिलते हैं, इनकी लाख और करोड़ों में कीमत होती है। ये एक्चुअल में रेयर सिक्के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल कॉमोडिटी कॉइन या 5 रुपए का सिक्का दिखाकर उसकी लाखों रुपए प्राइस बता दी गई है, वो तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है। जो नकली वीडियोस बनाते हैं ये उनका काम होता है, लेकिन जो रेयर जो रियल कॉइन कलेक्टर होते हैं उनको एक्चुअल में वैल्यू पता होती है, कौन सा सिक्का महंगा है और कौन सा नॉर्मल वैल्यू उसका है। अब ये जो सिक्का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुंबई के टोडीवाला ऑक्शन में देखने को मिला, ये एक सिल्वर कॉइन है जिसका वजन 11 ग्राम से ऊपर है। अब इस पर जो देखेंगे, जो पोर्ट्रेट बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है, वो बना हुआ है वृषभ राशि का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हिंदू मान्यता में जो राशि होती है, जो 12 अलग अलग राशि है, उसमें ये सिक्के इशू हुए थे।
तो जो पहले वाला सिक्का था वो मैंने दिखाया आपको, जो कि जिस पर एक बिच्छू बना हुआ था, लेकिन जो दूसरी राशि है का जो सिक्का है, इस पे वृषभ राशि का सिक्का है, ये टॉरस। तो ये काफ़ी महंगा सिक्का है। अब इसकी आप प्राइस देखेंगे तो ये एक रेयर कॉइन है जिसकी वैल्यू लाखों रुपए में, एक्चुअल में स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये काफ़ी महंगा सिक्का है और इसकी वैल्यू 4 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में रखी गई है। अगर आपके पास भी कुछ मुगल सिक्के हैं तो उनको बेचने से पहले अच्छे से चेक कर लें, कौन से मिंट के बने हुए हैं, क्या वो रेयर है। किसी कॉइन कलेक्टर या किसी एक्सपर्ट से अपने सिक्के जरूर चेक करा लें। ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल उनको सिक्का समझ कर उनको नॉर्मल वैल्यूज में बेच दें, क्योंकि ऐसे सिक्के किसी के पास भी हो सकते हैं, और अगर ऐसे सिक्के किसी को मिल जाते हैं तो वो अच्छी खासी वैल्यू उसको जरूर देंगे, क्योंकि ऑक्शन में नीलामी होती है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है, ऑक्शन हाउस वालों को भी थोड़ा प्रॉफिट होता है, और आपको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ये रेयरेस्ट कॉइन होते हैं। अब जहांगीर के शासनकाल में कुछ और सिक्के भी आए थे, जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, उसके नाम पर भी कुछ सिक्के इशू हुए थे, तो कुछ सलीम नाम से भी सिक्के इशू हुए थे। तो जहांगीर का नाम सलीम भी था, ये आपको पता होगा। तो सलीम नाम के सिक्के भी महंगे होते हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और नूरजहां नाम के जो सिक्के हैं वो भी महंगे होते हैं। तो अगर आपके पास सलीम या नूरजहां के नाम के सिक्के हैं तो नीचे इस वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास ऐसे कॉइन कलेक्टर हैं जो ऐसे सिक्के खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनका जो कलेक्शन है वो इसी तरह का है, मुगल सिक्कों में जो काम करते हैं वो ऐसे सिक्के खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू देते हैं, और कलेक्शन के पर्पज़ से आगे भविष्य में जाकर ये एक फायदे का सौदा हो सकते हैं। तो अगर आप एक कॉइन कलेक्टर हैं या आप कॉइन कलेक्टर नहीं हैं और आपके पास कुछ सिक्के पड़े हैं पुराने जमाने के, तो उनको बेचे ना, जल्दबाजी ना करें, उनको अच्छे से चेक करें, किसी एक्सपर्ट से चेक करा लें अगर आपको सिक्कों का ज्ञान नहीं है तो, क्योंकि आप ही लोगों के पास ऐसे रेयर सिक्के मिलते हैं जो कि ऑक्शन हाउस में जाते हैं और अच्छी खासी कीमत में नीलाम होते हैं। तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।